हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ लंच की वीडियो शेयर करने वाली हूं। आज कोई भी मैं अलग सी रेसिपी की वीडियो नहीं शेयर करने वाली हूं। डेली रेसिपी की वीडियो शेयर करते मैं भी बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आज कुछ नई वीडियो शेयर करते हैं। तो आज की ये वीडियो मेरे घर के दोपहर की थाली की वीडियो है, और ये थाली बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। इसमें जितनी रेसिपी है वो आप 30 से 35 मिनट में आप बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले आप एक थाली में आप देख रहे होंगे कि यहाँ आलू की कलौंजी है। ये बहुत इजी स्टाइल में मम्मी ने मेरे बना के इस वीडियो में दिखाया है। दोपहर का खाना मेरे यहाँ मम्मी बनाती हैं, तो इस वीडियो में मैं आप वही शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। अभी इसमें देख सकते हैं, यहाँ मैंने आम और कटहल का मिक्स अचार रखा है, तो ये भी इसकी भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है पहले। और साथ ही ये कोड़े की सब्ज़ी है, तो ये भी कुकर में बना हुआ बहुत ही ईजी 5 मिनट में सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी। और ये साथ में मम्मी ने बनाया था कढ़ी पकौड़ी, तो इसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में आज शेयर करने वाली हूँ। और साथ में ये राइस है और 2 रोटी। तो चलिए, मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ दोपहर के थाली की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ मेरे पुराने वीडियोज़ को आपने नहीं देखा है तो उसे भी देखिए, उसे भी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर कोई भी गेस्ट आ जाए तो आप ये 30 से 40 मिनट में आराम से ये पूरी थाली आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, अब बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक आप देखिएगा, और आपको तभी समझ में आने वाला है कि एक एक रेसिपी मम्मी ने किस तरीके से बनाई है। जैसे मम्मी ने ये सारी रेसिपी बनाई है, ठीक उसी तरीके से मैं इस वीडियो में आप सभी को समझा दूँगी। तो चलिए, अब लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लंच बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कढ़ी पकौड़ी से। कढ़ी पकौड़ी यहाँ बेसन की नहीं बनी है, यहाँ पर चने की दाल की कढ़ी पकौड़ी बनके तैयार हुई है। तो उसके लिए सबसे पहले आप जितना भी आपको चना लेना है, चने की दाल, आप उतनी चने की दाल ले लीजिए, और उसको 2 से 3 घंटे पहले ही भिंगो दीजिए। भिंगोने के बाद वॉश करके उसको पीस लीजिए, कुछ इस तरीके से पीसा हुआ होना चाहिए। और थोड़ा सा इसमें आप देख सकते हैं चने की दाल भी दिख रही है, तो इस तरीके से भी अगर पीसा रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पीसने के बाद आप साथ में इसका मसाला भी तैयार करना है। मसाले के लिए यहाँ लेना है 5 हरी मिर्च है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 20 से 25 लहसुन की कलियाँ हैं। तो साथ में इसको हमें पीस लेना है। मसाला पीस लेने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि आप थाली में इस तरीके से चने की दाल को आप ले लीजिए, और हल्के हाथों से आप इसे रब कीजिए। और जितना हल्के हाथों से आप इसको रब करेंगे, फेटेंगे, उतनी ज़्यादा ये पकौड़ी सॉफ्ट बन के तैयार होगी, और कढ़ी भी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। तो ठीक इसी तरीके से आप अपने हाथों से रब करते रहिए, बराबर इसको फेटते रहिए। और फिर हमें पानी लेना है, पानी में थोड़ा सा ये डाल के देखना है। अगर ये तले पे बैठ जाएगा तो आपका भी तैयार नहीं हुआ है, अगर ऊपर ही रहेगा तो आपका ये कढ़ी पकौड़ी बनने के लिए तैयार है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पानी में ऊपर ही कढ़ी पकौड़ी की जो पेस्ट है वो ऊपर ही है, तो यहाँ तक कि आप इसको आप पकौड़ी आप बना सकते हैं, और साथ ही इसका आप कढ़ी भी आप बना सकते हैं। तो अब इसमें हमें डालना है 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद आपको डालना है टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। नमक के साथ हमें डालना है 1/2 चम्मच के करीब देगी मिर्च, और साथ ही डालना है 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट। इन सभी को मिलाने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये मिक्स हो चुका है, और पहले मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था। साथ में हम एक डाल के देखेंगे तो यहाँ तेल गर्म हो चुका है, तो बाकी के भी पकौड़ी को हम इस तरीके से डाल देंगे। अब यहाँ सारी पकौड़ी को हमें ठीक इसी तरीके से डाल देना है। और इसको तब तक हमें फ्राई करना है जब तक कि ये अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर में ना आ जाए। गोल्डन ब्राउन कलर होने पे हम इसे निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है, गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसको हमें निकाल लेना है। निकालने के बाद हम बाकी का भी ठीक इसी तरीके से छान के निकाल लेंगे पकौड़ी को। और फिर वापस उसी तेल में हमें डालना है मेथी। मेथी और जीरा डालने के बाद हमें डालना है 1 चम्मच अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट, जो मैंने पहले बताया था कि मसाला बना के तैयार कर लेना है, तो ये अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट है, वो हम 1 से 1.5 चम्मच के करीब डाल देंगे। 1 से 1.5 चम्मच के बाद हमें डालना है 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के बाद हमें डालना है देगी मिर्च, वो भी हमें डालना है 1/2 चम्मच के करीब। और साथ में फिर से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब आपने देखा था जो ग्लास में पानी था, उसी ग्लास के पानी में मैंने कटोरी में रख लिया है, और साथ में जो चना था बाकी का इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और वापस से जो ये चने का पेस्ट बना के रखा था अब उसे इसी पेस्ट में डाल लेना है। इसी मसाले में हम डाल लेंगे और साथ ही इसको बराबर चलाते रहेंगे। और फिर उसके बाद हमें डालना है टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। और इसको बराबर हमें चलाते ही रहना है। 5 से 10 मिनट चलाने के बाद आप देख सकते हैं कढ़ी का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। आप इसी तरीके से ये मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से आप इसको पकाते रहिए। बेसन से ज़्यादा टेस्टी लगती है चने की दाल की कढ़ी पकौड़ी, तो आप इसे बना के ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। अब साथ ही एक बर्तन में यहाँ मैंने दही भी 2 चम्मच के करीब फेंट लिया है। आप देख सकते हैं दही अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हमें डालना है जो पकौड़ी बना के रखे थे वो अब इसमें मिक्स कर देना, एक एक करके सारा मिक्स करके अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे हम। मिक्स करने के बाद इसको ठीक इसी तरीके से थोड़ा सा पानी डाल के हमें ढक के छोड़ देना है। और फिर वापस हम आते हैं कढ़ी की तरफ। अब आप देख सकते हैं कढ़ी बहुत अच्छे से पक चुका है। और ये कढ़ी का जो टेक्सचर है बहुत ही क्रीमी है, तो आप बराबर इसको चलाते रहिए तो कढ़ी इसी तरीके की तैयार होगी। तब से कढ़ी अच्छे से पक रहा है। हम नेक्स्ट प्रोसेस आलू की तरफ बढ़ते हैं। आलू को यहाँ पे पीस में कट कर लेना है। यहाँ 6 से 7 के करीब आलू लेना है और इसको पीस में कट कर लेना है। आलू कट के तैयार हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं कढ़ी की तरफ। कढ़ी आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना क्रीमी है। अब इसको हम वापस से उस बर्तन में डाल देंगे जिसमें मैंने दही और पकौड़ी को साथ में एक में मिक्स करके रखा था, और सारी कढ़ी को अच्छे से हम ट्रांसफ़र कर देंगे इसमें और थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स करके ढक के रख देंगे। अब फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं वापस से आलू की तरफ। जो आलू मैंने काट के रखा है उसमें हमें डालना है टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। नमक डालने के बाद इसको हम बॉयल करने के लिए 2 प्रेशर हीट कर देंगे। अब इस कढ़ी में लगाना है हमें तड़का। तड़के के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच के करीब राई और साथ में 1/2 चम्मच के करीब ज़ीरा और 3 से 4 साबुत लाल मिर्च और 20 से 25 करी पत्ते, और साथ में हमें तड़का लगा लेना है। तड़के के लिए मैंने यहाँ पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। इस पैन में हमें सबसे पहले डालना है 1/2 चम्मच के करीब ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद हमें डालना है लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च। फिर उसके बाद हमें करना है थोड़ा थोड़ा डालना है राई। राई डालने के बाद हमें डालना है वापस से करी पत्ता। अब तड़का तैयार है, हमें इसको पलट देना है कढ़ी में। अब आप देख सकते हैं यहाँ कढ़ी बनके तैयार है। आई होप कि आपको ये कढ़ी पकौड़े की रेसिपी बहुत ही इजी लगी होगी और बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को भी कढ़ी पकौड़े के लिए भी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आलू कलौंजी की तरफ। आलू बॉयल हो चुका है। अब यहाँ मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। अब इसी कढ़ाई में हमें डालना है ज़ीरा। ज़ीरा हम डाल रहे हैं 1/4 चम्मच के करीब। ज़ीरा जब अच्छे से हो जाए तो इसमें हमें डालना है 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के बाद आपको डालना है 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन मिर्च का जो पेस्ट मैंने स्टार्टिंग में वो मसाला बना के आप सभी को दिखाया था, तो वो हम डाल देंगे इसमें भी। और फिर उसके बाद हमें डालना है बॉयल किए हुए आलू। इस कलौंजी के भुजिया आलू की बहुत ही इंस्टेंट बनके तैयार होती है। तो अब आप इसको भी देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमें लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से आलू को थोड़ा सा कलर चेंज होने तक रोस्ट कर लेना है। अब आप देख सकते हैं आलू का कलर चेंज हो चुका है, ये कितनी अच्छी तरीके से गोल्डन कलर में आ चुका है। इसमें हमें डालना है 1 से 1.5 चम्मच के करीब कलौंजी मसाला। कलौंजी मसाला डालने के बाद हमें 1/2 चम्मच से थोड़ा सा अधिक डालना है आमचूर पाउडर। इन सभी को डालने के बाद हम ठीक अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आप आलू की कलौंजी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आलू की कलौंजी को 2 से 3 मिनट रोस्ट करने के बाद इसमें हमें डालना है 1 चम्मच के करीब पानी। पानी डालने से क्या होगा कि जो कलौंजी का मसाला है वो अच्छे से आलू पे कोट हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से 2 से 3 मिनट और हम आलू को रोस्ट कर लेंगे, फिर हमारा ये आलू की कलौंजी भी बनके तैयार है।
दो से तीन मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस आलू की कलौंजी को एक प्लेट में निकाल लेना है। अब आप देख सकते हैं ये आलू की कलौंजी देखने में कितनी टेस्टी लग रही है और कितनी जल्दी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने दोपहर के थाली की तरफ। तो अब यहाँ दोपहर की थाली मैंने लगा दी है। अब आप देख सकते हैं एक में मैंने रखे कढ़ी पकौड़े, जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और साथ ही है आलू की कलौंजी, इसकी भी वीडियो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। और ये मिक्स अचार, इसकी वीडियो आपको मेरे पुराने वीडियोज़ में आपको मिल जाएगी, तो आप चेक करना मत भूलिएगा। और साथ ही मैं यहाँ पर कोहड़े की सब्ज़ी है, तो यहाँ कोहड़े की सब्ज़ी बहुत ईजी तरीके से सिर्फ हल्दी और पचफोरन के साथ ही छौंका गया है, तो ये 5 मिनट में सब्ज़ी बन के तैयार जाती है, तो इसलिए इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। और यहाँ पे मैंने रखा है राइस और 2 रोटी, और इसकी भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर इसकी वीडियो शेयर करती तो 30 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मैंने दोपहर की थाली तैयार कर दी है। अब आप सभी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर आपको मेरे घर के दोपहर की थाली की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे इस वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। अगर आपको इस दोपहर की थाली की वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट मंथ की वीडियो भी मैं दोपहर की थाली की और सारी रेसिपी मम्मी नहीं बनाएंगी तो उसकी भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको इस टाइप की और भी वीडियो देखनी है तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको मेरी डिनर की वीडियो भी देखनी है और डिनर की डेली रूटीन की भी वीडियो देखनी है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा, तो मैं तो डिनर की भी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ब्रेकफास्ट और डिनर की भी रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी अगर आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताते हैं तो। और अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी तो अभी कभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब मैं मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, और आप सभी मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी रेसिपी ये दोपहर की थाली की कैसी लगी। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।